बोलेंगे। सो नाउ गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, आप स्लोली स्लोली आ रहे हैं, इट्स ओके। ओके, होप यू कैन सी हियर। पहले ये बताइए बेटा, आप लोगों को जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं, क्या ये आपको विजिबल होते हैं अच्छे से स्क्रीन पर? यस और नो करके आप सिर हिलाएंगे। मैम को नहीं पता चलता है कि आपको ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। So, ये आपको दिख रहा है ना? वेरी गुड। इससे ज्यादा मुझे जूम करने की जरूरत नहीं है, है ना? चलो अच्छी बात है कि इससे ज्यादा मुझे जूम करने की जरूरत नहीं है। अब जो बात बता रही हूँ वो ये कि ये हम लोग पहले भी किए हुए हैं, इसको हमने पहले भी किया हुआ है। पार्ट एक था राजा बेटा, ठीक है, इसे हमने कंप्लीट ही कर लिया था। एक सेकेंड, नीचे पॉइंट क्या नीचे। उम्मीद करती हूँ अब इससे बड़ा तो नहीं कर सकती, इससे बड़ा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ओके, पाठ दो था, पाठ दो में भी आप देख लीजिए कि हमने क्या किया था। उसके बाद फिर पाठ तीन हमने किया, ये स्लोली स्लोली जा रहा है। उसके बाद फिर पाठ तीन के सारे प्रश्न उत्तर हमने किए हैं। उसके बाद फिर पाठ चार हम कर रहे थे, कल हमने पाठ चार किया था, ठीक है। और पाठ चार में हमने ये पूरे प्रश्न उत्तर भी किए थे। उठ के बैठिए विहान, उठ के बैठिए विहान सिंह। आरोही आपको कैमरा नहीं ऑन करना है। सो ये हमने यहाँ तक कल कर लिया था, है ना? सभी बच्चों ने किया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे और नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट पांच, दीपावली आई। पार्ट पांच क्या है? दीपावली आई। इस पार्ट में हमने क्या करना है? प्रश्न उत्तर। पार्ट में सबसे पहले क्या करना है? प्रश्न उत्तर, ठीक है। चलिए प्रश्न, नानी कौन से रंग की साड़ी पहनकर आई, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है नानी पीले रंग की साड़ी पहनकर आई। नानी कौन से रंग की साड़ी पहन के आई? तो इसका उत्तर है नानी पीले रंग की साड़ी पहनकर आई। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीता की दीदी क्या बनाकर लाई। जिन्होंने नहीं लिखा है वो साथ की साथ लिखते चलेंगे। गीता की दीदी क्या बना करके लाई? तो गीता की दीदी, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है गीता की दीदी खीर बनाकर लाई। खीर बनाकर लाई। So,
गीता की दीदी खीर बनाकर लाई। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, गीता ने दीवार पर क्या सजाया? गीता ने दीवार पर क्या सजाया? ठीक है, इसका उत्तर क्या है? गीता ने दीवार पर दीपक सजाया। गीता ने दीवार पर क्या सजाया? तो गीता ने दीवार पर दीपक सजाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीता की सखी का क्या नाम है? गीता की सखी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर क्या है? गीता की सखी का नाम क्या है? गीता की सखी का दीपा नाम है। बेटा आपका कैमरा बहुत हिल रहा था, थर मिश्रा, स्टे कीजिए कैमरे को। सबने इसको भी थोड़ा सा जूम करके 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी बच्चों। प्रश्न, सबने मिलकर किसकी आरती गाई? सबने मिलकर किसकी आरती गाई थी? अगर आपको पाठ याद है तो याद होगा, सबने मिलकर सीता राम जी की आरती गाई। किसकी आरती गाई थी? सीता राम जी की। जी की आरती गाई। उसके बाद फिर प्रश्न दो है, दीपावली पर आप जो जो करते हो उसके लिए हाँ या नहीं लिखो। ठीक है, बट पहले मैं ये क्वेश्चन आंसर पूरा आपके स्क्रीन पे ला देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे कर लें। बस अभी सबको दिख रहा है ये प्रश्न उत्तर, ये पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हैं, इसे फटाफट कर लीजिए। स्क्रीन पे इसे रखा हुआ है आपके 2 मिनट के लिए, आप इसे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। मिला लीजिए फटाफट, और किसी को कुछ कहना होगा तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलेगा, बट एक टाइम में एक ही बच्चा बोलेगा, ठीक है? अभी अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है इस दौरान तो वो पूछ सकता है। अनम्यूट करो अपना फोन। आप लोग को ऐसे बोल ही नहीं सकते हैं। चलिए आराध्या कुमारी अनम्यूट करो और बोलो जल्दी से। मैम आराध्या कुमारी अनम्यूट करो और बोलो जल्दी से, क्या बात है? बोलो मैम। मैम नहीं बोल रहा है बेटा, सुन रही है मैम आप। क्या बनने नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन बेटा?
फिर से बोलिए आप। जो वो वाला व्हाट्सएप पे लिंक आया है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बनना है। अरे बेटा वो वाला कह रही हो, वो वाला से मैम को क्या पता चलता है कि वो वाला कौन सा है? पाठ बताइए, पेज नंबर बताइए, फिर ना मैम बताएंगी। मम्मी को बुलाइए, फिर मम्मी बताएंगी क्वेश्चन क्या है, आप नहीं समझा पा रही है। वाला अरे बेटा मैं आपको थोड़ी ना अभी देख रही हूँ, मेरा स्क्रीन ऑन है ना बेटा, मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। मेरा स्क्रीन ऑन है, मम्मी से पूछ लूंगी। चलो नेक्स्ट है आरोही। आरोही अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन फटाफट। बोलो आरोही। आरोही बोलो, बोलो। मेरा हो चुका है। हो गया है तो बस आंसर मिला लीजिए बेटा। बहुत सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में जिनका नहीं हुआ है, तो मैम तो सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलेंगे। आपका हो गया है, देन वेरी गुड। ये क्वेश्चन आंसर अभी भी बच्चे लिख रहे हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए। मैं सबको एक बार स्क्रीन पे स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, और चलिए आप मुझे बताइए अगर हो गया है तो आप यस में सिर हिला करके बोलेंगे, जो मैम अभी दिखा रही थी आपको। अगर आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों, मैम फिर से बोल रही है, जो मैम दिखा रही थी, अगर आप सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया तो सिर हिलाकर यस बोलिए। आरोही कुछ और देख रही हो क्या? आरोही तो लग रहा है क्लास इधर कर रही है और उधर वीडियो गेम खेल रही है। नहीं, अच्छा ये कुछ कहना चाहते हैं आशुतोष, अनम्यूट योरसेल्फ और बोलो क्या बोलना चाहते हो। आशुतोष जल्दी से अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो क्या पूछना है, उसके बाद शांभवी पूछेगी। क्या बेटा? स्कूल में जाके क्या भरना है? स्कूल में जाके क्या भरना है? स्कूल में जाके पढ़ाई करना है। आप सब बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, मैम आपको क्लास से रिसीव करेंगी। आप गेट में एंट्री करोगे और मैम आपको रिसीव करेंगे वहां से। हाँ अभिमान अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो क्या कहना चाहते हो। हार्दिक सोना बंद करो, उठ के बैठो। यस मैम। और फिर से रूही का फैन दिखाई दे रहा है, रूही थोड़ा पड़ती है, रूही का फैन पड़ता है, उत्कर्ष नायरा का दीवार पड़ता है। आयु आनंद अच्छे से बैठिए, दिस इज नॉट अ वे टू सिट, चौकड़ी मार के बैठिए आयु आनंद। आयु आनंद बोलो फटाफट बेटा। मैम हम आप जो अभी लिखवा रही हैं हमको बना पहले से ही बना ये कहने के लिए हाथ खड़ा तो फिर से बनाना है। फिर से क्यों बना? मेरा तो सभी बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन की आपकी बस कब ड्रेस कहाँ से मिलेगा? ड्रेस बेटा डीएवी का ड्रेस कहीं भी बाहर, किसी भी बाहर आप स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान पे जाइए और वहां से आप ले लीजिएगा। लेकिन सभी को बोल देती हूँ मैं, जो ज्ञान गंगा की शॉप होती है वो ड्रेस को बहुत महंगा बेचता है, तो इट्स माई रिक्वेस्ट, क्योंकि ज्ञान गंगा इज ए वेरी फेमस शॉप और वहां पे आपको वही चीज ज्यादा कॉस्ट लेता है वो। और डीएवी किसी भी ड्रेस के लिए किसी भी दुकान को नहीं बोलता है कि आप ज्ञान गंगा से लीजिए या कहीं और से लीजिए, आप किसी भी दुकान से ड्रेस ले सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म डीएवी की क्लास वन की। ओके, और स्कूल बस कितने बजे जाएगी, किस रूट से जाएगी,
कौन सी स्कूल बस आपके पास पहुंचेगी, उसके ड्राइवर का नंबर, उसके कंडक्टर का नंबर, ये सारा मैसेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैम सेंड कर देंगी। उसके बाद आप मास्क और सैनिटाइजर के साथ स्कूल आएंगे। मैम फिर से बोल रही हैं, आदित्य ध्यान दो बेटा। और आप जैसे ही गेट पर एंट्री करेंगे आपको मैं दिखाई दूंगी, मुझे तो पहचान लोगे ना आप लोग। कौन कौन मुझे पहचान लेगा, हाथ खड़े करो। ओके, वेरी गुड। और पूजा मैम भी आपको नजर आएंगी, ठीक है। और सभी रूम के जो हमारा डोर होता है ना, ओके थैंक यू, आप लोग मुझे पहचान लेंगे। तो जो हमारा डोर होता है ना, हर क्लासरूम का दरवाजा होता है, उस दरवाजे के ऊपर आपका रूम नंबर लिखा होगा और उससे पहले आपको मैसेज चला जाएगा कि 1A के बच्चे किस रूम में बैठेंगे, 1B के बच्चे किस रूम में बैठेंगे, 1C के बच्चे किस रूम में बैठेंगे। ये पहले ही आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। स्कूल में एंट्री किए, मैम आपको रिसीव करेंगी, फिर सीढ़ी से ऊपर भेजेंगी फर्स्ट फ्लोर पे, वहां से पूजा मैम आपको रूम नंबर्स देंगी कि इस रूम में आपको जाना है। रूम में घुसने से पहले एक बार दरवाजे के ऊपर देख लेना है कि मेरा रूम नंबर क्या है, ठीक है। एंड देन फिर क्लास में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगी, स्कूल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर आगे करते हैं। ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मैम तो दो चार चैप्टर करवाने के लिए आज आई थी लेकिन आज नहीं हो रहा है। दीपावली पर आप जो जो करते हो उसके लिए हाँ या नहीं बताइए। तो ये सभी चीजें तो आप खुद से करो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जब करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या है, ठीक है। दीपावली, दीपक जलाते हो। हाँ मैं तो जलाती हूँ इसलिए मैं जो है वो हाँ लिखूंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ख, ख है रावण का पुतला जलाते हो। जी नहीं, मैं दिवाली में रावण का पुतला नहीं जलाती हूँ इसलिए मैं क्या लिखूंगी, नहीं लिखूंगी। अब आप लोग देखिए आप लोग क्या करते हैं। ग, मुझे लगता है आप लोग भी नहीं जलाते होंगे जब मैं नहीं जलाती है तो। उसके बाद ग में क्या है, नए कपड़े, मैं नहीं है, नए। नए कपड़े पहनते हो। हाँ भाई, दिवाली में तो हम नए कपड़े पहनते हैं, सभी बच्चे पहनते हैं। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, घ, ये आपको बुक में ही सारा मिल जाएगा। एक दूसरे पर रंग डालते हो। जी हाँ बिल्कुल, एक दूसरे पर रंग डालते हैं ना जी बच्चों, दिवाली में रंग डालते हैं। अरे नहीं नहीं डालते हैं, तो होली में डालते हैं रंग। ओके, उसके बाद फिर घ के बाद होता है अंग। अंग क्या है, एक दूसरे को तोहफे। एक दूसरे को तोहफे देकर बधाई देते हो। जी हाँ, उस दिन तो गिफ्ट देते ही हैं दोस्तों को और फिर बधाई भी देते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वो है वर्ग पहेली दी गई। वर्ग पहेली दी गई वर्ग पहेली में से फलों के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो चिल्ड्रेन, वो वर्ग पहेली जो है ना वो आपके बुक में दी हुई है। वर्ग पहेली कहाँ दी हुई है, आपके बुक में दी हुई है। मैम ने उसे नहीं बनाया है, बस मैम ने क्या किया है, फलों के नाम लिखे हैं। क लीची, ख पपीता, क
लीची, ख पपीता, ग, आप जरूरी नहीं है कि ग नंबर पे ही अनानास को लिखें, आप किसी भी नंबर पे लिख सकते हैं, बस ये नंबर्स हैं। और फिफ्थ वन यानी कि अंग क्या है, अंग है अनार, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोगों को देख लीजिए फिर से, दीपक जलाते हैं दिवाली में, क्या क्या करते हो, दीपक जलाते हो, हाँ, रावण का पुतला जलाते हो, नहीं, नए कपड़े पहनते हो, हाँ, एक दूसरे पर रंग डालते हो, नहीं, एक दूसरे को तोहफे देकर बधाई देते हो, हाँ। और फिर दी गई वर्ग पहेली में से फलों के नाम ढूंढकर लिखना है, तो दी गई वर्ग पहेली में से फलों के नाम ढूंढना है, ठीक है। और इस तरह से हमारा कंप्लीट क्या होता है, पार्ट पांच जो है दीपावली आई वो कंप्लीट हो गया, पार्ट पांच दीपावली आई, ये हमारा क्या है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे पाठ छः पर, पाठ छः, और पाठ छः क्या है कोई मुझे बता सकता है, वो है गुड़िया की शादी। गुड़िया की शादी पार्ट छः है, गुड़िया की शादी, ठीक है। इसमें उसका क्या है, पार्ट छः का गुड़िया की शादी, हमें क्या करना है, प्रश्न उत्तर। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। सो प्रश्न, सुमन क्या मलकर नहाई है, आपका न आई, सुमन क्या मलकर नहाई, ठीक है, सुमन सुमन साबुन मल कर, किसी बच्चे का माइक ऑन है, मल कर नहाई, उसके बाद अगला प्रश्न है, लाल चुनरी कौन लाया, ठीक है, लाल चुनरी कौन लाया, तो लाल चुनरी कुसुम लाई, लाल चुनरी कौन लाया, कुसुम लाया, लाई नॉट लाया। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुमन फुलवारी से क्या चुनकर लाई, सुमन
इसका उत्तर है सुमन फुलवारी से गुलाब चुनकर लाई। अगला प्रश्न है बुलबुल क्या पहनकर नाची। मैम बोलिए बोलिए मैम, सबने मिलकर किसकी आरती चढ़ाई है, वह मुझे क्वेश्चन नहीं है बुक में। सीता राम जी की आरती की है बेटा, है क्वेश्चन में, पैराग्राफ लास्ट है, नीचे से दूसरी लाइन, बुलबुल झुमका पहनकर नाची। और मैम दिखा देती हैं आपको स्क्रीन पर भी बेटा, ठीक है, अभी थोड़ा एक बचा हुआ बस दिखा देते हैं, उसके बाद तो फिर अगले क्वेश्चन आपके आगे ना, अभी दिखा देते हैं बेटा। किसकी शादी पर बहुत मजा आया, ये पार्ट का कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। गुड़िया की शादी पर बहुत मजा आया। चलिए देखो बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन